नमस्कार, मैं हूं अभय निगम और आप देख रहे हैं बीपी गंगा का डिजिटल बुलेटिन। आइए बताते हैं आपको बांदा की आज की बड़ी खबरों के बारे में। बांदा की आज पहली बड़ी खबर शहर क्षेत्र से है। शहर के खुटला मोहल्ले में रहने वाले अलीम नाम के एक युवक ने अपनी 26 वर्षीय पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक अलीम ने अपनी पत्नी यास्मीन से कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन यास्मीन ने पैसे देने से जब इनकार कर दिया तो अलीम ने आवेश में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अलीम को गिरफ्तार कर लिया है। बांदा की दूसरी खबर की अगर बात करें तो वो कमासिन थाना क्षेत्र से है। कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली 9 वर्ष की मासूम के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। परिजनों का आरोप है कि जिस समय मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, पड़ोसी उसे टॉफी खिलाने के बहाने अपने पशु बाड़े में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब बच्ची चिल्लाने लगी तो उसने उसका मुंह दबाकर और धमकी दे दी और धमकी देने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता के माता पिता ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा लिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बांदा की तीसरी खबर की बात करें तो वो कालिंजर थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव की है, जहां एक 55 वर्षीय किसान ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली है। परिजनों के मुताबिक किसान का एक वर्ष पहले मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके हाथ पैर टूट गए थे और उसको बहुत गंभीर चोटें आई थी, जिसका मध्य प्रदेश के सतना में इलाज चल रहा था। अपने इलाज के लिए उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था, जिसको लेकर वो तनाव में रहता था और इसी तनाव में उसने आत्महत्या कर ली है। वहीं पुलिस मामले की पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक वजह बता पाने की बात कह रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस भी मामले को आत्महत्या ही बता रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।